काशी भगवान शिव की नगरी पुराणों से भी पुरानी मानी जाती है। बाबा की नगरी काशी में बाबा अपने भक्तों को खुद होली की हुड़दंग की अनुमति देते हैं। जी हाँ, बाबा की नगरी काशी में रंगों के त्योहार में एक रंग अनोखा चढ़ता है, वो है चिताओं की भस्मों से होली का। काशी भगवान शिव की नगरी पुराणों से भी पुरानी मानी जाती है। बाबा की नगरी काशी में बाबा अपने भक्तों को होली के हुड़दंग की अनुमति खुद देते हैं। पहली बार ऐसा मौका है कि जब भव्य बाबा दरबार में होली की परंपरा के लिए पर्याप्त जगह मिल रही है। काशी में रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर होली खेली जाती है। चिता भस्म की होली की काशी में अनोखी परंपरा रही है। सुबह से भक्तजन दुनिया की इकलौती परंपरा चिता भस्म से होली खेलने की परंपरा को निभाने धधकती चिताओं के बीच नजर आते हैं। पहली चिता भस्म की होली खेली जाती है और इसके बाद होली खेलने की परंपरा काशी में निभाई जाती है। जब समय बाबा के मध्य स्नान का होता है तो उस समय मणिकर्णिका तीर्थ पर भक्तों का उत्साह चरम पर होता है। ये भी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ दोपहर में मध्यान्ह स्नान करने मणिकर्णिका घाट पर आते हैं। इनके स्नान करने के बाद सभी तीर्थ स्नान करके यहाँ से पुण्यद लेकर अपने स्थान जाते हैं। अंत में बाबा स्नान करने के बाद अपने प्रिय गणों के साथ मणिकर्णिका महाशमशान पर आकर चिता भस्म से होली खेलते हैं। वर्षों की ये परंपरा दो दशकों से यहाँ भव्य रूप से मनाई जाने लगी है। ये होली भगवान महाशमशान नाथ मतलब भूत भावन शंकर अपने गणों भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस आदि के साथ खेलते हैं। शिव पुराण और दुर्गा सप्तशती में इसका उल्लेख भी मिलता है। काशी में यह मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का गौना यानी विदाई कराकर अपने धाम लाते हैं, जिसे उत्सव के रूप में काशीवासी मनाते हैं और रंग के त्योहार होली का प्रारंभक माना जाता है। इस उत्सव में सभी शामिल होते हैं। वैदिक रीतियों के जानकार बताते हैं कि देवी देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य और बाबा के प्रिय गण भूत को बाबा ने खुद मनुष्यों के बीच जाने से रोक रखा है, लेकिन बाबा तो बाबा हैं, वो कैसे अपनों की खुशियों का ध्यान नहीं देते। इसलिए सबका बेड़ा पार लगाने वाले शिव शंभु उन सभी के साथ चिता भस्म की होली खेलने मसान आते हैं। उस दिन से ही संपूर्ण विश्व को प्रसन्नता हर्ष उल्लास देखने वाले इस त्योहार होली का आरंभ होता है, जिसमें दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। महाशमशान पर एक तरफ जहाँ चिताएं जलती रहती है, वहीं फिजाओं में डमरू की गूंज और हर हर महादेव की अनुगूंज भी सुनाई देती रहती है। भांग पान और ठंडाई की जुगलबंदी के बीच, अल्हड़ मस्ती और हुल्लड़बाजी के बीच हर कोई एक दूसरे को मणिकर्णिका घाट की भस्म लगाता है। तो दिगंबर की इस मसान होली को एक बार देखने काशी जरूर जाएं और देखते रहिए जनहित टाइम्स।